तो यार अगर आज की वीडियो अगर आपने एंड तक वॉच की ना, तो भैया मैं गारंटी लेता हूँ कि लड़की आपको सामने से ही मजे लेकर बात करेगी। जी हाँ फ्रेंड, बहुत से बंदों का अभी तक यही कमेंट रह चुका है कि सर हम पहली बार लड़कियों से फोन पर कैसे बात करें, या फिर कहा जाए लड़कियों से फोन पर कैसे बातें करते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप दोनों कपल्स हो या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो और आप दोनों की फोन पर बातें हो रही पर इंटरेस्टिंग नहीं हो पा रही है, आप दोनों रोमांस में ज्यादा नहीं डूब रहे हो, तो भाई मेरे यार मेरे दोस्त, ये वीडियो स्पेशली आप ही लोगों के लिए। हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, पर दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड कहीं से भी वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपने मुझको अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज भाई फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिंपली क्लिक कर सकते हो, या तो आप इंस्टाग्राम पर सर्च भी कर सकते हो कैलाश राय 104। बाकी डिटेल तो फ्रेंड आपके सामने शो हो ही रहा होगा, तो प्लीज भाई मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा। खैर बढ़ते हैं वीडियो में। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो किसी लड़की से फोन पर बात करना, तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये फॉलो करना पड़ेगा कि लड़की को भाई जो थोड़ी धीमी आवाज होती है ना, फिर कहा जाए थोड़ी पोलाइटली जब किसी से बंदी से बात करते हैं तो उसको इंटरेस्ट आता है हमसे बात करने में। तो नंबर वन पॉइंट, आप उससे थोड़ा प्यार से बात करिए और धीमी बात से बात करिए। और जो मैं दूसरा पॉइंट समझाना चाहता हूँ, आपको एक बात समझ लेनी है कि आप जब भी उसे फोन करते हो, फिर कहा जाए जब भी उसका फोन आता है ना, तो आप नॉर्मली क्या बोलते हो, हेलो हाय कैसे हो वगैरह वगैरह। पर आपको अगर ये सब छोड़ के अगर ये बोलते हो ओ वाह यार आज आपकी आवाज सुन के तो मतलब दिल खुश हो गया, तो भैया अगर इसके बाद वो लड़की नहीं कहती ना क्योंकि यार बस करो फ्रेंड कितना फ्लर्ट करते हो, तो आप मुझे कहना फ्रेंड। और ऐसे ही लड़की मजे लेकर आपसे बातें करती है। तीसरा पॉइंट आपको ये समझना पड़ेगा, आपको फ्रेंड एक ही बातें रिपीट कर करके उसके सामने नहीं बोलनी है। जी हाँ भाई मेरे, बहुत से बंदे क्या करते हैं, जब बातें करते रहते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो थोड़े नर्वस हो जाते हैं, उनके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा होता है कि अब इससे क्या पूछे, तो वापस वही सवाल पूछ डालते हैं। लड़की को पता चल जाता है कि लड़का मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है उतना बात करने में, फिर भी वो आपसे बातें करती है क्योंकि वो आपसे प्यार करती है, फिर कहा जाए थोड़ा सा आपको लाइक करती है। पर भाई अगर आप एक ही बातें बार बार पूछ रहे हो तो उससे वो इरिटेट हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम आपसे वो लंबे टाइम तक बातें करना नहीं चाहेगी। बजाय इसके आप फ्रेंड अगर और कुछ पूछने लगे, जैसे कि आप उसी की दिलचस्प बातें पूछ लो कि आपकी फेवरेट कलर कौन सा है, या फिर कहा जाए आपके फैमिली मेंबर में कौन कौन रहता है, या तो फिर आप उसी के बारे में कोई उससे रिलेटेड बातें पूछ सकते हो कि तुम्हें क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है या नहीं, या फिर तुम्हारे मैच देखने में इंटरेस्ट है नहीं। फ्रेंड इस तरह की भी बातें करोगे तो भी इंटरेस्ट लेगी, बट एक ही सवाल को बात बात पूछोगे तो फ्रेंड मजा नहीं आएगा। अब एक बात जो आप अधिकतर मुझे बोलते हो, तो फ्रेंड कहा जाए पॉइंट नंबर फोर है, एक बात जो आप सामने को अभी तक बोलते हो कि अगर गर्लफ्रेंड बोलती है हमें कि क्या बाबू खाना खा लिया, तो हम इसका रिप्लाई नॉर्मली देते हैं हाँ खा लिया, और यहीं पर आपकी बातें खत्म हो जाती है। या फिर अगर आप पूछना चाहते हो, भैया हर कोई पूछता है कि क्या बाबू आपने खाना खाया या फिर जान आपने खाना खाया, नॉर्मली आप ये बोलकर बात खत्म कर देते हो। भाई इसको भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ ना यार, मतलब कि अगर आपसे आपको क्या बोलना है, अगर वो सबसे पूछती है कि बाबू आपने खाना खाया, तब आप बोलना नहीं खाया। अगर वो पूछते आपसे क्यों नहीं खाया, तो सीधा बोलना यार मुझे तुम्हारे साथ बैठ के खाना है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना पहला निवाला खिलाओ, तो मेरा पेट भर जाएगा। तो भाई अगर ऐसी बातें करो तो लड़की क्यों नहीं मजे लेकर आपसे बातें करेगी, बड़बड़ नहीं, आपने तो सिंपली जवाब देनी है। पांचवा फ्रेंड, आप कभी ये मत पूछना उससे कि क्या आपने खाना खाया। जी हाँ फ्रेंड, अभी मैंने आपको बताया था खाना खाया वाले टॉपिक, अब आपको बता रहा हूँ कि आप कभी ये मत पूछना कि क्या आपने खाना खाया, इसके बजाय आप ये पूछ सकते हो उससे कि क्या आपने खाना बनाया। अब देखो भैया, अब ये लड़की थोड़ी सोच में पड़ जाएगी कि ये कौन से बंदे ने सवाल पूछ लिया, लोग तो पूछते खाना खाया, ये पूछ रहा खाना बनाया, तो हाँ बोलेगी हाँ ठीक है मैंने बना लिया, अब बताओ। तब आपको ये बोलना कि चलो बना लिया, मुझे भी बुला लो यार, दोनों साथ में बैठ के खाते हैं। तो भैया इस तरीके से भी आपकी इंटरेस्टिंग बातें हो सकती है। लड़की को जो मजे लेकर जो इंटरेस्ट लेकर बातें कर सके ना, वही लड़के में ज्यादा दिलचस्पी आता है, वही लड़के से वो ज्यादा लेट टाइम तक वो बात करना चाहती है फ्रेंड। अब फ्रेंड साइन नंबर फाइव, वैसे कहा जाए फ्रेंड तो सिक्स है ये, पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जब कोई लड़की आपसे ये पूछ लेती है कि क्या कर रहे हो, आप नॉर्मली उसे जवाब देते हो कुछ नहीं कर रहे, और इस तरीके से आपकी बातें खत्म हो जाती है, तो भैया लड़की को अपने अंदर इंटरेस्ट दिला। और इंटरेस्ट कैसे आएगा, जब वो पूछती है आपसे क्या कर रहे हो, आपको बोलना है यार किसी के ख्यालों में खोया हुआ था, उसके बारे में कुछ सोच ही रहा था, मंडप तक बात गई थी कि उसका फोन आ गया। भैया अगर इसके सुनने के बाद अगर लड़की इंटरेस्ट ना दिखाए ना, तब आपके नाम है। आपको एक बात ध्यान रखनी कि हर एक बात को थोड़ा लंबा करना पर इंटरेस्टिंग। अगर वो आपसे पूछती है कि क्या कर रहे हो, तो आपको ये बोलना है, जैसे कि अगर वो आपकी फ्रेंड ही है नॉर्मली, तो आप उसको ये बोलना है कि बस किसी लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, बातचीत चलनी जाहिर हो चुकी है, अब वो कुछ दिन में मुझसे पट भी जाएगी। आपसे अगर वो पूछती है कौन है वो, तो आपको सिंपली बोल देना आप ही तो हो यार, और इस तरीके से आपकी बातें इंटरेस्टिंग भी हो सकती है। बहुत से बंदे को फ्रेंड फोन पर प्रपोज करने में डर लगता है, वो जानना चाहते हैं कि क्या वो लड़की हमसे पसंद करती है, कहा जाए वो लड़की हमसे प्यार करती है या नहीं करती। उसका देखो फ्रेंड एक सिंपल सा आपको मैं टेक्निक बताता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो आई होप आप उसे
उससे बोल सकते हो। उसे आप ये बोलना कि एक बात बताओ यार, मान लो कि मैं तुम्हें प्रपोज करूं या फिर कहा जाए अपने दिल की बातें आपके सामने रख दूं, तो क्या आप मुझे चप्पल से मारोगी या जूते से मारोगी या झाड़ू से मारोगी? अगर वो बोलती है कि नहीं यार मैं तुम्हें क्यों मारूंगी, तुम अगर मुझे चाहो तो प्रपोज कर सकते हो, तो भैया यहाँ पे क्लियर हो सकते हो। और अगर वो कहती है कि मैं तो तुम्हें चप्पल से मारूंगी या फिर झाड़ू से मारूंगी, तो आपको सिंपल यही कहना है कि मार लेना यार, ऐसे खूबसूरत लड़कियों से मार खाने का मौका रोज रोज थोड़ी ना मिलता है। और इस दोनों ही तरीके में आप उस लड़की के दिल को घायल कर सकते हो भाई। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, और ये सब बातों के चलते ही लड़की मजे लेकर आपसे फोन पर बातें करती है। अब बात करने वाला हूँ फ्रेंड पॉइंट नंबर 7 की। फ्रेंड आपकी मैं थोड़ी रूटीन चेक करने वाला हूँ, जी हाँ भाई चेंज करने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा। बहुत से बार क्या होता है फ्रेंड कि लड़कियों का जरूरी नहीं है कि हमेशा रोमांस ही करने का मूड हो या फिर हमेशा हंसने का ही मूड हो, कभी कभी लड़की का मूड सैड भी होता है और आपको उस टाइम उसकी फीलिंग समझनी चाहिए भाई। अगर ये पॉइंट जिस बंदे ने फॉलो कर लेना, अगर उससे लड़की जिंदगी भर बात करती ना रह जाए तब आप मुझे कहना भाई। जब लड़की सैड हो या फिर कहा जाए लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो या फिर आपको लगे कि बंदी बहुत ज़्यादा उदास यार, इसको खुश करना बनता है, अगर आप उसकी फीलिंग समझ के उसको हंसा देती हो या फिर कहा जाए उसकी वो आंसू पोंछ देते हो, तो अगर लड़की आपसे लॉन्ग टाइम तक बात ना करे ना, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर बोल सकते हो कि सर आपकी टिप वर्क नहीं की। जी हाँ भाई आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे और क्या क्या बात कर सकते हो। अब फ्रेंड आप सभी लोगों का इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड पॉइंट नंबर 8। अब आपको फ्रेंड उसके दिल में दिमाग में एक रिस्पेक्ट नाम की चीज़ बना देनी है कि बंदा जितने अच्छी तरीके से बातें करता उतने ज़्यादा मेरी रिस्पेक्ट भी करता है। आप उसे जब भी कॉल करते हो फ्रेंड नॉर्मली हाय हेलो बोलते होगे, बट आपको क्या करना है थोड़ा अनुशासन में जाना है। मॉर्निंग में कॉल करते हो तो आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, दोपहर में कॉल करते हो तो आफ्टरनून बोलना है, शाम को कॉल करते हो तो इवनिंग बोलना है, और रात को सोते समय तो आप लोग गुड नाइट बाबू जान सोना बोलते होगे फ्रेंड। इससे मैं मानता हूँ आपको कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, आप लोग ये सोच रहे हो, बट भाई जब धीरे धीरे आप करने लग जाओगे ना तो उस बंदे को लगेगा कि ये बंदा कितना रिस्पेक्ट से मुझसे बातें करता है, हमेशा दिन की शुरुआत की ब्लेसिंग देता है मुझे ये, चाहे वो शाम हो चाहे वो सुबह हो। तो ऐसा बंदे से हर कोई फ्रेंड बात करना चाहता है, और लड़की सामने से ही मजे लेकर बात करती है भाई। अब इतना टिप बता दिया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस भी कर लो भाई, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बार बार आता रहेगा, तो प्लीज भाई जरूर करना। अब बताऊंगा फ्रेंड पॉइंट नंबर 9 जो कि बहुत ज्यादा खास है। ये कहना है कि यार तुम एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारे पास आया था तुम्हें पता कैसे नहीं चला, मैं तुम्हें काफी टाइम तक देखा पर तुमने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। आप वो सामने से बोल रहे कि यार ऐसा कब हुआ, मैंने तो नहीं जानते आपको, मैंने तो नहीं देखी आपको, आप झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं मानती, आखिर मुझसे ऐसी बड़ी गलती कैसे हो सकती कि अगर मैं आपको देखूं देखती मैं इधर फेर लूं, मैं नहीं इस बात को मानता। आप बोला नहीं यार तुम तो कहती थी ये मतलब हम दोनों बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आंखें बंद करके भी एक दूसरे की तस्वीर बना सकते हैं, एक दूसरे के सामने से अगर गुजरे तो उससे पहले हमें पता चल जाएगा कि हम एक दूसरे के पास है, तो इस बार क्या हुआ आपका दिल नहीं धड़का? अगर भाई इस तरीके से बातें करो ना तो लड़की बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाएगी, यार बंदे ने ये बात बोल कैसे दी, इस बंदे को कैसी हिम्मत आ कैसे गई इतनी बात बोलने की, जब कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। जब लड़की ज्यादा परेशान होने लग जाए तो आप उसे कहना अरे यार मैं तुम्हारी दिल की बात कर रहा हूँ यार, मैं यहीं से बैठ के आपके दिल से अटैच कर लिया था, या फिर खाजे जब आप बैठे हुए थे तो मैं ख्वाब में था आपके पर आपने समझ ही नहीं पाया, ऐसा कैसे? तो लड़की हंस पड़ेगी और इस तरीके से खुद इंटरेस्ट लेके बातें करेगी फ्रेंड। पॉइंट नंबर 10 मेन इंपॉर्टेंट बिग एंड लास्ट पॉइंट फ्रेंड, इस पॉइंट को फॉलो करिए, उसके बाद आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। आपको कहना है कि क्या आपने मुझे लोन दिया था? अगर वो बोलती है व्हाट क्या मैंने कुछ समझी, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि क्या मतलब, जैसे कि वो समझ लो कि वो बैंक वाली है और आपने उससे पैसे लोन पे लिए हो, तो वैसे ही आपको बोलना है कि क्या आपने मुझे लोन दिया था, तो पूछती क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो, तो बोलना कि पता नहीं क्यों और तुम्हारे मेरा इंटरेस्ट बढ़ते ही जा रहा है। तो भैया अगर ये लाइन अगर आप फ्लर्टी तरीके से बोलते हो ना तो वो इंटरेस्ट लेगी। अब इसका क्या मतलब है कहने का, मैं आपको एग्जांपल के तौर बताता हूँ भाई। देखो वो बंदे ना बहुत ज्यादा पसंद आते हैं लड़की को जो उनके सामने हो और उनको ही सिर्फ निहारे, निहारते निहारते उनसे बातें करे, पर ऐसी कुछ उल्टी हरकतें ना करे जिससे जैसे कहते हैं मूड खराब होना, वो ऐसा कुछ ना करे। तो अगर ऐसी हरकतें आप करते हो ना भाई, तो लड़की अगर आपसे इंटरेस्ट ना होती है तो मुझे कहना, क्योंकि भाई देखो हर कोई लड़का अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता इतना। अगर आप उसे सिर्फ देख रहे हो, आंखें जी भर के देख रहे हो, आप उसे जब भी बोलते हो तो ये बात बोलते हो कि बस मैं आपको देखना चाहता हूँ, अपनी आंखों में आपकी इतनी ज्यादा तस्वीर भरना चाहता हूँ कि मुझे आपके अलावा किसी और की तस्वीर दिखाई ना दे, तो भैया ऐसे लड़की बहुत ही रोम रोम उठ पड़ेगी, उसको लगेगा ऐसा कि मुझे सच्चा प्यार करने वाला मिला और उसके साथ में अपने जीवन बिता सकती भाई। और इस तरीके से आप दोनों की लाइफ इंटरेस्टिंग चलेगी, लड़की आपसे खूब मजे लेके बातें करेगी, आपको लड़की से क्या बातें करने चाहिए, किस टॉपिक पर करने चाहिए, अब आज के बाद से कभी आप लड़कियों से बात करते समय नहीं घबराओगे। अगर घबरा रहे हो, अगर आपके मन में डर है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सामने आपके शो भी हो रहा होगा कैलाश राय 104, सिंपली क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम पर पहुंच जाओगे मेरे यार, मेरे आइएगा जरूर भाई, मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिएगा प्लीज भाई। अगर आपको यू
देखने में अच्छी लगी हो तो प्लीज अपनी तरफ से इस वीडियो पे एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस कर दीजिए। अगर फ्रेंड आपको लगे कि ये वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी बात कह गया भाई हमारा, तो प्लीज भाई इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप शेयर करते हो हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अगर कोई भी हेल्प चाहिए या फिर कहा जाए कौन सा फोन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर कहा जाए कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे बता।